न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं ज़ेलेंस्की। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिले हैं ज़ेलेंस्की। अहम खबर हम आपको ये बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है इन 3 महीनों के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ज़ेलेंस्की के साथ। और यहाँ इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में तनाव बने हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो सकता है कि की गई हो। हालांकि अभी इस मुलाकात को लेकर जो अहम बातें हैं वो धीरे धीरे साफ हो पाएंगी, लेकिन सबसे अहम तस्वीर ये कि ज़ेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और ये तीसरी बार हो रहा है 3 महीनों के दौरान जब ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में, द्विपक्षीय बैठक यहां पर हुई है प्रधानमंत्री और ज़ेलेंस्की के बीच, जिसमें कई ऐसे अहम पहलू रहे जिस पर प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से चर्चा की है। और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। यूक्रेन के बीच में युद्ध जब से प्रारंभ हुआ है तब से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही ये बात कही है कि अब युद्ध का दौर नहीं है और आज का जो दौर है उसमें हमें संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए ही रास्ते निकालने चाहिए, समस्याओं के समाधान ढूंढने चाहिए। और रशिया और यूक्रेन अपने आपसी रिश्तों के बीच में जो दरार है उसको खत्म करें, संवाद के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालें। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस बात को लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते आए हैं। और रशिया हो या यूक्रेन हो, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वो निरंतर मिले हैं और उन्होंने भारत का जो नज़रिया है उसको स्पष्ट रूप से रखा है। दोनों देशों को ही ये बात कही है कि युद्ध अब समाप्त होना चाहिए और दुनिया को भारत ने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं। ये बात प्रधानमंत्री अक्सर कई मौक़ों पर दोहराते हैं। बहुत गहरा, बहुत बड़ा संदेश इन बातों में छिपा हुआ है और मुझे लगता है कि आज दुनिया को भारत से सीखने की ज़रूरत है। देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने उसी बात का जिक्र किया जब पहले प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे तो उन्होंने युद्ध की धरती से बुद्ध का संदेश दिया था और उसी बात का जिक्र करती हुई अनुप्रिया पटेल यहां पर नजर आ रही हैं।